स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बन और उसके यौगिक। वैसे तो हमारा ऑर्गेनिक वाला जो चैप्टर है, आप जो हमारा ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक्स जो है ऑर्गेनिक के वो आपको क्लियर होने जरूरी है। तो एक बार ऑर्गेनिक के चैप्टर कराने से पहले मैं आपको कुछ वीडियोज जो है वो बेसिक के करवाऊंगी ताकि ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो वीडियोस है ये 10th 11th 12th तीनों क्लास के बच्चों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ऑर्गेनिक का बेसिक क्लियर हो जाएगा। बाय द वे, वैसे आपका ये जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये आपका 11th का चैप्टर है, लेकिन इससे आपके बेसिक्स काफ़ी क्लियर होते हैं, तो इसलिए इसके कुछ वीडियोज जो है मैं आपको पहले दूंगी, उसके बाद हम ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि कार्बन और उसके यौगिक, जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम यहाँ पे जो कार्बनिक शब्द यूज कर रहे हैं ये हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ते हैं हम कार्बनिक यौगिकों को? तो देखो, बात ये है कि जो कार्बन के बने यौगिक होते हैं यानी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो आपके डेली लाइफ में आपके साथ जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है कि आपके लाइफ में आप जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, चाहे वो खाने की बात करें, चाहे हम जो कपड़े पहन रहे हैं उसकी बात करें, या फिर जो वस्तु हम अपने दैनिक जीवन में दिनचर्या में उपयोग में ले रहे हैं, वे सभी के सभी कार्बन के बने होते हैं। 98 से 99% चीज़ें कार्बन की बनी होती है, बाकी जो चीज़ें 1% 2% बच जाती है वो अन्य पदार्थ की बनी होती है। कहने का मतलब है कि कार्बन हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए हम कार्बनिक यौगिक के बारे में इतना पढ़ते हैं। तो बात आती है कार्बनिक यौगिक के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन होता क्या है, क्यों हम कार्बन के बारे में इतना पढ़ते हैं, कार्बन में से क्या क्या गुण पाया जाता है, क्या क्या चीज़ें कार्बन में हैं जो हमें नहीं पता। तो हम बिल्कुल बेसिक मतलब एकदम कहते हैं ना कि जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी पहली क्लास, फिर उसके बाद दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, इस तरीके से वो अपना लेवल अप करता है। ठीक उसी तरीके से मैंने आपको केमिस्ट्री जो है ना ऑर्गेनिक वो जीरो लेवल से करवा रही हूँ, समझ आ रही बात? पहले जीरो लेवल, फिर पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग रहेगा आपका, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले अपने बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। तो देखो, कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ये तो पता होगा सभी को, ये होता है सी, है ना? कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सी। बात आती है कि जो कार्बन है वो कितने नंबर पर आता है, कार्बन जो है वो आपके आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है, यानी जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 6, और किसी भी परमाणु का जो क्रमांक रहता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन और उतने ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वैसे कार्बन की बात करें तो अपने कार्बन की बात करते हैं स्पेशल, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, जब हम किसी भी, आई थिंक समझ आ रहा होगा, मैं बिल्कुल बेसिक बातें बता रही हूँ, थोड़ा स्पीड है, और जैसे हम कोई भी अच्छा लेवल का समझने लग जाएंगे तो वहाँ मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, टेंशन मत लेना। क्योंकि ज़्यादा बच्चों का यही था कमेंट में कि मैंने देखा बच्चे ज़्यादा यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम ऑर्गेनिक जो है वो स्टार्ट कीजिए, आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है आपका, इनऑर्गेनिक जो है उसका हमने सिर्फ एक ही चैप्टर किया है, अब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक एक बार बाद में कर लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है ये आपके पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्सा निभाता है, लगभग 40 से 50% जो आपके क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक से उठते हैं, तो इसलिए पहले मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है, ऑर्गेनिक कंप्लीट करते ही हम इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर बात? तो देखो, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है जब हम किसी भी यौगिक तक, यहाँ पर अपने बात करें, जब हम किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, परमाणु का द्रव्यमान मास ज्ञात करते हैं,
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है जब हम किसी भी परमाणु के जोड़ते हैं तो उसका द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोटॉनों की संख्या आपको पता है कितनी है, 6, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाता है आपको ध्यान देना है, इसको ना इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो 6 है ये तो किसको बता रहा है, आपका द्रव्यमान को, सॉरी ये आपका परमाणु क्रमांक बता रहा है, बाय मिस्टेक बोल गई मैं, इसलिए आपका क्या बताता है, आपका परमाणु क्रमांक को बताता है। और ये किसको बताता है, ये बताता है आपका द्रव्यमान को, ये अंक किसको बताता है, आपका द्रव्यमान को। क्लियर बात? तो ये सब बेसिक बेसिक बातें होगी। अब बात आती है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब जब हम किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो किस अकॉर्डिंग भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p2, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन s में है, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में है और 2 इलेक्ट्रॉन p में है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने ये चीज तो पढ़ा ही होगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से भरा जाता है 1s, इसको ये नियम आप लोगों ने याद रख लिया तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी समझने में। इस चीज को देखने पर 4s, 4p, 4d और नेक्स्ट 4f, 5s, 5p, 5d एंड 5f होगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा आपका 5f, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से क्रॉस किया जाता है, कुछ नहीं करना, आपने इधर वाले सिरे को इसके दूसरे वाले सिरे से मिला देना है, ठीक है। ये चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप लोग देख लो, पहले हमने टेढ़ी रेखा खींच ली, खींचने के बाद दोनों रेखाओं को हम किस तरीके से मिला रहे हैं, एस बनाते हुए। ये देखो ये क्या बन रहा है आपका, एस बन रहा है ना, तो इसको हम एस बनाते हुए मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से भी इस तरीके से एस बनाते हुए मिला दोगे, नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब इस तरीके से आप पूरे को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। देखो मैं आपको बेसिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों की ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, जिन्होंने 11th में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा उनका ये रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो पहले जो आपके इलेक्ट्रॉन है किस में भरे जाते हैं, 1s में, 1s के बाद आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2s में, 2s के बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2p, देन 3s में, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं यही पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको पूरा डायग्राम बताया। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके निम्न ऊर्जा स्तर वाले होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, जो उच्च ऊर्जा स्तर वाले होते हैं वो बाद में लिखा जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका 3p है, 3p से थोड़ी अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है 4s और 4s से अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है 3d, इस कारण से ये बाद में आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिनका परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा होगा ना, वहां पर आप इसको लिखोगे, ठीक है। जहां पर आप देखोगे कि 4s पहले लिखा जा रहा है, 3d बाद में लिखा जा रहा है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार माइंड में क्लियर रख लेना, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसको पहले लिखा जाएगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसको बाद में लिखा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो 4s जो है इसकी ऊर्जा कम होने के कारण ये पहले आ रहा है और 3d की ऊर्जा ज्यादा होने के कारण ये बाद में आ रहा है। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा अप डाउन होता रहेगा कि पहले बड़े संख्या वाले आ जाएंगे, उसके बाद छोटी संख्या वाले, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो जैसे यहाँ पर आप देखोगे फिर 3d के बाद क्या आ रहा है, 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद आपका आएगा 4d, हो गया ना, 4 बाद में आया और 5 पहले आ गया। लेकिन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा का अंतर पड़ जाता है, जिसकी ऊर्जा कम है उसको पहले लिखा जाता है, जिसकी ऊर्जा ज्यादा है उसको बाद में लिखा जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, और आप 12th के बच्चे हो तो आपको तो ये आना ही चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्पेशल बता दिया। अब देखो यहाँ पर वही चीज 1s फिर 2s फिर 2p, हमें तो सिर्फ कार्बन का चाहिए, हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया है। और आपको ये भी पता होगा कि जो s कक्षक होते हैं, ये मैं यहीं पे लिख देती हूँ, जो s कक्षक होते हैं इसमें आपकी इस तरीके से एक ही डिब्बा बनता है, ठीक है, एस में एक बनता है, पी में आपके कितने बनते हैं, तीन बनते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, देखो आपको पता होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद देन आपका आ जाएगा डी, डी में कितने बन जाएंगे, पांच, ये बन गया आपका डी, डी में कितने बन गया आपके, पांच। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करते हैं आता है एफ कक्षक, और एफ में आपके कितने बनते हैं, एफ में बनते हैं आपके सात कक्षक, कितने बनते हैं, सात। ठीक है, हो गए सात पूरे, ठीक है। तो ये होगी जो हमारा सेवन होता है कक्षक, उसकी संरचना, ये हमारी डी की है, ये पी की है और ये एस की है, ठीक है। यानी अगर आपको इसको चित्र के साथ बताना हो तो आप कैसे बताओगे, आप इस तरीके से बनाओगे, पहले आप 1s कक्षक बना लोगे, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अप एक डाउन, ठीक है। ऐसे ही 2s कक्षक बना लोगे, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अप और एक डाउन। और p में यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर p में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले इसमें फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है, ये चीज भी ध्यान रखना। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैंने यहाँ पे नहीं रखा, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा है, इसका रीजन क्या है, मतलब मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे दो भर दिए, यहाँ दो भर दिए, लेकिन इस कक्षक में दो एक साथ क्यों नहीं भरे, क्योंकि इन तीनों की जो ऊर्जा होती है वो होती है समान, समान ऊर्जा होने के कारण पहले इनमें समान रूप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 से ज्यादा होगी उसके बाद इनका युग्मन होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक बार कार्बन को भूल जाओ, मान लो कि ऐसा कोई परमाणु जिसके पी कक्षक में है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 तो पूरे पूरे हो जाएंगे, अपने मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल करती हूँ कि पहले तो क्या किया जाता है, सारे सेम डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, क्योंकि सारों की ऊर्जा कितनी है, समान है, तो समान ऊर्जा है तो समान इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये 1, 2 ये 3, इन तीनों को कहा जाता है समभ्रंश कक्षक। क्या कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक, क्योंकि इन सभी की ऊर्जाएं होती है समान। नेक्स्ट जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके बाद इसका युग्मन होना स्टार्ट होगा। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस कारण से जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों को एक डिब्बे में ना रख के पहले क्या कहते हैं, इन डिब्बों को भरा है, कंटिन्यू भरा है, ठीक है। तीन होता तो पहले तीन भरते, फिर उसके बाद 4 होने के बाद युग्मन होना शुरू होगा पी के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये तो चीज पता लगी होगी आपको। तो इन कक्षकों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है समभ्रंश कक्षक, ठीक है। इनकी ऊर्जाएं समान होती है, इस कारण से पहले इन तीनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल भरा जाएगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तीनों में भरे जाएंगे, फिर उसके बाद दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। क्लियर बात। तो ये तो हो गया आपका कार्बन के बारे में कुछ बेसिक बातें हो गई है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जितने भी और मतलब एक हमारा जो इम्पोर्टेंट पोस्चर यहाँ पे रहेगा, एक चीज और याद रखना आपको, किसकी संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। तो संयोजकता भी मैं आपको समझाऊंगी, और कार्बन के कुछ अपर रूप होते हैं, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन के अपर रूप की बात करें, वैसे तो आपके क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय दो प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर हम क्रिस्टलीय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है, जिसकी एक निश्चित ज्यामिति संरचना होती है वो क्रिस्टलीय कहलाती है, अक्रिस्टलीय क्या होगी, जिसकी नियमित ज्यामिति संरचना नहीं होगी, है ना। क्रिस्टलीय के अंदर अगर अपने बात करें तो आपके एग्जाम्पल में आ जाते हैं हीरा, ग्रेफाइट और आपका एक आ जाएगा फुलरिन, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये कार्बन के अपर रूप है। अपर रूप का क्या मतलब होता है,
अपर रूप का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं ना, तो वो प्योर उसी चीज की बनी है। जैसे मान लो हीरा है, तो हीरा जो है ना ये पूरी तरीके से कार्बन की बनी हुई है। ग्रेफाइट और फुलरिंग भी पूरी तरीके से कार्बन की बनी हुई है, वो बात अलग है। इनकी संरचना में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे कार्बन अगर चारों तरफ से कार्बन से घिरा होता है तो वो हीरे की संरचना है। अगर कार्बन तीन तरफ से कार्बन से घिरा हो तो वो आपकी ग्रेफाइट की संरचना है। फुलरिंग के अंदर एक फुटबॉल जैसी संरचना बनती है, इस कारण इसे बंकी बॉल कहा जाता है। तो ये और भी ज्यादा डीप हो जाता है। फिलहाल हम बेसिक की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है अपर रूप का मतलब होता है कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन के वे यौगिक जो पूरी तरीके से कार्बन के बने हो, किसी प्रकार का कोई दूसरे परमाणु का मिलावट ना हो, तो वो उसके अपर रूप कहलाते हैं। और यहाँ पर आपके तीन अपर रूप जो है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे कार्बन की संयोजकता के बारे में। देखो, संयोजकता की अगर हम बात करें ना, तो किसी के भी संयोजकता का निर्धारण है ना उसके अष्टक के नियम से याद रखा जाता है। आप बोलोगे कैसे? देखो, आपको एक चीज तो क्लियर है कि जो परमाणु होते हैं उनके जो कक्षक होते हैं, जैसे हम बात करते हैं के एल एम एन, ठीक है, आपको तो ये तो बेसिक बात है, आपको पता होगा जो परमाणु होते हैं उनके बीच में नाभिक होता है और इस तरीके से चार कक्षक होते हैं। इस तरीके से क्या बनते हैं? चार कक्षक बनते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ये इसको कट कर रहा है। इस तरीके से चार कक्षक होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं के, ये होता है आपका एल, ये होता है आपका एम, और जो सबसे लास्ट वाला कक्षक है इसे हम बोलते हैं एन। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो के कक्षक होता है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? दो। एल कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? आठ। एम में 18 और एन में 32। ये होता है इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो पहले कक्षक में जहाँ एन का मान क्या होता है? एक होता है, उसमें हम दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जहाँ एन का मान दो, यानी जब कक्षक संख्या दूसरे जिसे हम एल भी बोलते हैं, उसमें आठ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जहाँ एन का मान तीन होता है, यानी जिसे हम एम बोलते हैं, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जहाँ एन बराबर चार होता है, यानी जहाँ आप 32 इलेक्ट्रॉन भी भर सकते हो। बात यह आती है, ये अष्टक का नियम क्या है? देखो, अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो भरने का क्रम होता है वो ये होता है 2 8 8 8, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। ये है अष्टक का नियम। किसका नियम है ये? आपका अष्टक का नियम। अब बात आती है कि अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम अष्टक का नियम क्यों फॉलो किया जाता है? हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए है कि हम अधिकतम, बात को समझना, देखो मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो पूरा अच्छे से समझना आप लोग, पूरा इस चीज का फायदा उठाना। अब देखो, यहाँ पर बात आती है कि जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं, भर सकते हैं भर, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एम में 18 और एन में 32, तो अष्टक का नियम क्यों? अष्टक का नियम जो होता है ना, ये क्या करता है, ये किसी भी परमाणु के स्थायित्व को डिफाइन करता है। यानी अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो जब का परमाणु कक्षक है वो बहुत ज्यादा स्थायी अवस्था को प्राप्त करता है, इससे भी ज्यादा। समझ आ रही है मेरी बात? ये तो आम है, ये मतलब सभी के लिए है, इतने ही इलेक्ट्रॉन भर सकते, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। लेकिन पर ये इतना स्थायी नहीं होता, लेकिन अष्टक का नियम जो होता है ना वो आपके स्थायी अवस्था को बताता है। यानी मैं ये बोल सकती हूँ, जैसे मान लो कार्बन है, अब कार्बन का अगर हमें परमाणु कक्षक की संरचना बतानी है, तो आपको पता है अगर मैं कार्बन की बात करूं, यहाँ पे देखना, तो कार्बन का ये आपका नाभिक बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगी इसकी कक्षक, पहले कक्षक, इस तरीके से इसकी बन जाएगी दूसरी कक्षक, ठीक है। अब आपको पता है कि कार्बन जो है ना उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक का नियम क्या कहता है कि आंतरिक कक्षक में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए।
दूसरी बात ये बोल रहा है कि अष्टक का नियम कहता है कि जो हमारी दूसरी कक्षक है अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरते हो तो वो बहुत ज्यादा स्थाई होगा। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में 8 भरोगे तो वो परमाणु बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और नॉर्मल सी बात है, जो चीज जिस अवस्था में सबसे ज्यादा स्थाई होगा वो उसी में रहना पसंद करेगा, जिसमें वो स्थाई नहीं होगा उसमें वो रहना पसंद नहीं करेगा। एक हम नॉर्मल ह्यूमन नेचर की बात करें, किसी भी जीव जंतु की बात करें, तो नॉर्मल अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो कोई भी व्यक्ति रेंट पे रहना ज़्यादा पसंद करेगा या खुद का घर खरीद के रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो ऑब्वियसली बात है हर कोई यही कहेगा कि मेरा खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि जो रेंट का कमरा होता है वो स्टेबल नहीं है, वो स्थाई नहीं है, रेंट का कमरा बदलना भी पड़ सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा स्थायी अवस्था में होगी वो उसी में रहना ज़्यादा पसंद करेगी। और अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग परमाणु ज़्यादा स्थायी अवस्था में होते हैं, इस कारण से ये अष्टक के नियम को फॉलो करते हैं। बात समझ आई? अब बात आती है कार्बन के बारे में। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपने अंदर भर दिए तो अब जो दूसरा कक्षक है उसमें आप कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? आप कहोगे मैम सिंपल सी बात है, 6 में से 2 पहले भर दिए तो दूसरे वाले में 4 से ज्यादा हम नहीं भर सकते। मैंने कहा बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 1, 2, 3, 4। ये बन गया कार्बन परमाणु की संरचना, बन गया। अब मैंने आपको कहा कि जब दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो तभी सबसे ज्यादा स्थाई होगा, उससे पहले स्थाई नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि मैम अब क्या करें, क्योंकि इसके पास तो है ही 4 इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास है ही 4 इलेक्ट्रॉन तो फिर अब ये स्थाई नहीं हुआ, पर ये स्थाई रहने की कोशिश करेगा। कोई भी चीज है स्थाई रहने की कोशिश करेगा, वो सोचेगा कैसे करके भी एडजस्ट हो जाए, पर मुझे तो स्थाई रहना है। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पर ये क्या करता है, देखो एक चीज याद रखना, या तो ये कार्बन इस कंडीशन में, या तो ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, क्या कर ले? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा? C-4 बन जाएगा, और उस टाइम ये स्थाई हो सकता है। नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये बाहर से ग्रहण करेगा तो 4 तो इसके पास है ही, 4 और एक्सटर्न हो जाएंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो स्थायी अवस्था में हो जाए, या फिर इसके पास एक और चॉइस है कि अपने इन चारों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे, और चारों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा तो बन जाएगा C+4। और अगर C+4 बन जाएगा तो हो सकता है या तो ये पूरी तरीके से खाली हो तब ये सबसे ज्यादा स्थाई होगा, या फिर ये पूरी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हो या तब ये सबसे ज्यादा स्थाई होगा। तो आप बोलोगे मैम इसके पास दो ही चॉइस है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बना ले तो ये स्थाई हो सकता है, या फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तब ये स्थाई हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं अपनाता। फिर बात आती है कि भाई अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं अपनाता तो फिर ये स्थाई कैसे होगा, और ये इन दोनों में से कोई भी कंडीशन क्यों नहीं अपनाता? तो एक चीज याद रखना, कार्बन जो होता है, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो कार्बन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटोन है, यानी ऋणायनों की संख्या कितनी है? 6 है। धनायनों की संख्या कितनी है? 6 है। इस कारण से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हम आवर्त सारणी में जितने भी परमाणु पढ़ते हैं, प्रकृति में जितने भी परमाणु पाए जाते हैं, उनमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। इस कारण से वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करके रखते हैं, स्थायी बना के रखते हैं। प्लस माइनस इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन नेचर का हो जाएगा। ना तो धनायन का गुण उसमें प्रदर्शित अलग से होगा, ना ऋणायन का गुण होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे क्या होंगे? बराबर रूप से आकर्षण रखेंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर कार्बन ने बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, मान लो इस चीज को, माना कार्बन ने अगर क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? C-4 आ जाएगा। और C-4 आने के बाद कार्बन में जो प्रोटोनों की संख्या है वो तो 6 होगी,
परंतु जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। पहले ये दोनों इक्वल थे, इक्वल होने के कारण दोनों में जो आकर्षण था वो बिल्कुल सही लग रहा था। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन पर सही तरीके से आकर्षण लगा पा रहे थे। इक्वल होने के कारण इनमें उदासीनता भी बनी हुई थी। लेकिन अब क्या हो गया कि 6 प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 6 तो पहले से ही है, 4 और ग्रहण कर रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 6 ही प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉनों द्वारा 10 इलेक्ट्रॉनों पर 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना इनके बस की बात नहीं है, यानी ये कंडीशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, अंतर आ चुका है। 6 इलेक्ट्रॉन की बस की बात नहीं है कि वो 6 प्रोटॉनों की बस की बात नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल सके। इसलिए ये जो पहली कंडीशन है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी कंडीशन मैंने आपको कहा, मान लो कि कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पे क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रोटोनों की संख्या तो 6 ही है, क्योंकि प्रोटोनों के साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की, हम तो इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है पंगे ले रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 कम हो गई, यानी 6 में से आपने 4 कम कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप बोलोगे कि मैम 6 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, अब तो ये से बहुत आसानी से संभाल लेगा, अब इसे क्या दिक्कत है। दिक्कत है, अब सुनना क्या दिक्कत है। देखो क्या होता है कि जब हम कभी भी किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं ना, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक साथ चारों को बाहर निकाल लोगे। आपको पहले एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरा निकालोगे, उसके बाद तीसरा निकालोगे, उसके बाद चौथा निकालोगे। कहने का मतलब है आपको एक एक करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, अब क्या होता है, देखो ये चीज तो आपको समझ आ गया होगा ना, ये चीज तो आप बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब क्या होता है, देखो सबसे पहले जैसे मान लो कार्बन है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो कार्बन कहेगा कि अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा हूं, या किसी भी परमाणु की प्रकृति की बात करें तो वो ये कहेगा, अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा हूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। देखो नॉर्मल सी बात है, हम भी किसी का कोई काम करके देते हैं, हम ऐसा बोलते हैं ना, किचन में तेरे काम कर दिया पर बदले में मुझे क्या मिलेगा, पहले मुझे कुछ दे फिर मैं तेरे काम करूंगा, या फिर पहले बता तू कुछ देगा तो ही मैं तेरे काम करूंगा। ऐसा होता है ना, नॉर्मल फ्रेंड्स के बीच में होता है कि तू मुझे ये चीज दे दे मैं तुझे वो चीज दे दूंगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन फ्री का नहीं देता अपने इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहता है कि मुझे चाहिए ऊर्जा, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऊर्जा, अगर मुझे ऊर्जा मिलेगी तो ही मैं इलेक्ट्रॉन त्यागूंगा। तो पहली कंडीशन में आपने क्या किया, कार्बन को ऊर्जा दिया, ऊर्जा देने के बाद आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है एक बार निकाल लिया, और पहला इलेक्ट्रॉन निकालना परमाणुओं में से थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, इसका रीजन भी होता है क्योंकि वो नाभिक से लेकर जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होती है वो काफी ज्यादा होती है। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, जैसे जैसे आपको समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप बस समझते चलना। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला है, और आपको पता है या तो निकाले तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी हमारा काम बनेगा, वरना तो काम नहीं बनेगा ना। तो अब क्या करना है, अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग चले दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ पे एक आएगा सॉरी, जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या कार्बन बिना ऊर्जा के मानेगा, नहीं मानेगा, वो कहेगा कि मैं एक और निकालूंगा तो मुझे कुछ चाहिए। अब इस टाइम भी इसे क्या देना पड़ता है, हमें ऊर्जा। अगर आप इसे ऊर्जा दोगे तभी ये इलेक्ट्रॉन निकाल ले देगा। अब ये ऊर्जा जो है ना इसकी तुलना में काफी उच्च होता है। पहले वाली कंडीशन में तो ये थोड़ी सी ऊर्जा से निकाल देता है, लेकिन दूसरे वाली कंडीशन में अब ऊर्जा जो है वो काफी ज्यादा हमें देनी पड़ती है। समझ आ रही बात,
जैसे मान लो यहाँ पर ऊर्जा जो है ना आपने दे दिया 10 दे दिया, लेकिन इस वाले कंडीशन में ऊर्जा वो कितना ले रहा है, 30 ले रहा है, कितना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया है ना। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि आपको पता है 2 से भी हमारा काम नहीं बनेगा, अब हमें तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। और नॉर्मल सी बात है, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ऊर्जा दोबारा देनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि जो कार्बन जिसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, यानी +3 बनाना चाहते हो। अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको वापस ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन भी नट्टा ही है कि बिना ऊर्जा के मैं नहीं देने वाला। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऊर्जा है ना, अब वो मान लो आपका हो गया है 60, अब आपने 60 ऊर्जा दी तब जाके इसने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने दिया। अब आप खुद सोच के देखो कि जब चौथे इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ऊर्जा का मान कितना ज्यादा हो जाएगा, और इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप इतना ज्यादा ऊर्जा दो तो इलेक्ट्रॉन चौथा नहीं निकल पाएगा। इस कारण से 4 इलेक्ट्रॉन हम क्या नहीं कर पाते, नहीं निकाल पाते, और ये हमारी जो संयोजकता है वो प्रदर्शित, जो हमारी कार्बन है वो +4 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करती। आई थिंक बस समझ आ गई। अब आप बोलोगे कि चलो मैम ठीक है कि इसने -4 भी शो नहीं किया, इसने +4 भी शो नहीं किया, रीजन भी क्लियर हो गया, लेकिन बात यह है ना किसी संयोजकता फिर उसके उसका निर्धारण कैसे करेंगे। मतलब किसी भी परमाणु जो है उसको स्थायी करने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो हम उसे इलेक्ट्रॉन दे या तो हम उसे इलेक्ट्रॉन ले, दोनों में से कोई एक काम करेंगे तो वो स्थायी हो जाएगा। लेकिन यहाँ कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये स्थायी कैसे होगा। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर बनता है आपका सह संयोजक बंध। कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सहसंयोजक बंध की बात करते हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध के बारे में। किसकी बात करेंगे हम? सहसंयोजक बंध। देखो सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। सहसंयोजक बंध क्या होता है, जब 2 परमाणु आपस में, मैं ऐसी डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पर, 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जिस बंध का निर्माण करते हैं, जिस बंध का निर्माण करते हैं उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये लाइन आपको सेट कर लेना, ठीक है। अब बात आती है कि सहसंयोजक बंध होता क्या है एक्चुअल में। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको किसी चीज की जरूरत है, और जो आपके सामने आपका फ्रेंड है उसको भी किसी चीज की जरूरत है, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास जो है वो ब्लू पेन है और आपके फ्रेंड के पास रेड पेन है। आपको रेड पेन की जरूरत है, आपके फ्रेंड को ब्लू पेन की जरूरत है, ठीक है। तो अब आप दोनों क्या करोगे, आप दोनों पेनों का साझा करोगे, करोगे ना। वो अपना रेड पेन आपको देगा, आप अपना ब्लू पेन उसको दोगे। लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि अपना अपना ब्लू पेन, आपका जो अपना ब्लू पेन है वो पूरी तरीके से उसका हो चुका है, वो आपका भी है, और जो रेड पेन है उससे आप काम कर रहे हो तो एक टाइप से वो भी आपका हो गया। समझ आ रही है बात। और जो सामने वाला फ्रेंड है वो रेड पेन जो है एक वो तो उसका है ही है, साथ ही साथ आपका ब्लू पेन भी उसके पास हो गया। यानी ऐसा साझा, मतलब ऐसी साझेदारी जिसमें जो दोनों चीज आपस में साझा कर रहे हो वो दोनों का ही हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर भी दूसरा कार्बन है, ठीक है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वही समझ लेना ये आप हो या आपका फ्रेंड है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, रेड पेन है, आपके पास कौन सा पेन था, आपके पास ब्लू पेन था, है ना। आपके पास ब्लू पेन है, आपके फ्रेंड के पास रेड पेन है। अब आपको इस रेड पेन की जरूरत है और आपके फ्रेंड को इस ब्लू पेन की जरूरत है, तो आप दोनों ने क्या किया, आप दोनों ने साझा कर लिया, आप दोनों ने आपस में क्या कर लिया, साझा कर लिया
कि मैं तुझे अपना ब्लू पेन दे दूंगा, तू मुझे अपना रेड पेन दे दे। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का भी साझा होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। लेकिन इस टाइम क्या होता है, अगर मैं इस वाले कार्बन परमाणु की बात करूं, तो ये जो कार्बन परमाणु है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन तो ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन साझे के द्वारा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है अब वो भी इसका है। समझ आ रही है बात? ऐसे ही इस कार्बन परमाणु की बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका है ही है, लेकिन साझे के दौरान जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी इसका हो गया। यानी इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इसे कहते हैं सहसंयोजक बंध, जिसमें दोनों परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्लियर बात? और आप यहाँ पर सबसे ज्यादा एग्जाम्पल देखोगे हाइड्रोकार्बन का। किसका? हाइड्रोकार्बन। अब आप पूछोगे कि मैम ये हाइड्रोकार्बन क्या चीज है? तो ध्यान से देखोगे तो इसमें एक तो आपको शब्द दिख रहा है कार्बन, और एक शब्द दिख रहा है आपको हाइड्रो। हाइड्रो से मतलब है यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में बंध बनाते हैं और एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। क्लियर बात? जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बंध बनाते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो उसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। और एक चीज याद रखना, कार्बन की एक मुख्य प्रकृति यही है कि ये लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है। ये मतलब 5 कार्बन की भी श्रृंखला बना सकता है, 6 की भी बना सकता है, 7 की भी, 10 की भी, 12 की भी, यानी ये लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला बना सकता है। इस कारण से इस कार्बन का उपयोग जो है वो 98% से लेकर 99% चीजों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जस्ट बेसिक बात है। अब बात आती है, अब बोलो कि मैम फिर इसने 4 परमाणु के साथ कैसे साझा किया। अब बात आती है कि कार्बन जो है, आपको ये बात तो क्लियर होगी कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको अष्टक को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन से मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्थाई हो जाएगा। अब बात आती है ये 4 इलेक्ट्रॉन फिर ये लेगा कैसे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये कैसे बंध बनाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब कैसे बंध बनता आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया। आपको इतना ही पता होगा कि हाइड्रोजन आपका आवर्त सारणी में फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा, ये बन गया आपका हाइड्रोजन का परमाणु कक्षक। और आपको पता है इसमें अष्टक के नियम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही, 1 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से कोई दे देगा या इसके साथ साझा कर लेगा तो ये स्थाई हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात तो समझ आ गई कि हाइड्रोजन को स्थाई होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को स्थाई होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ जो कार्बन होता है इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1-1 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो ये वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, ये वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा। यानी अगर आप देखो, एक ये बंध बन गया, एक ये बन गया, ये सारे के सारे कौन से बंध है? सहसंयोजक। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब आप देखोगे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, 4 के साथ इसने बंध बना लिया सहसंयोजक, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इसको हम संरचना बनाए ना, इसकी संरचना तो इस तरीके से बनेगी, क्योंकि कार्बन के पास ये 4 तो थे ही और ये 4 भी अब ऐड हो चुके हैं, तो कार्बन के पास टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यही तो चाहिए था हमें। समझ आ गई बात? अब देखो क्या होता है, हाइड्रोजन की भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए ताकि वो क्या हो जाए? स्थाई हो जाए।
तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इस तरीके से इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर रहा है, तो इसको हम इस तरीके से शो करते हैं। ऐसे ही इसकी बात करें तो इसका ये बन जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन का साझा इस इलेक्ट्रॉन के साथ है तो ये बन जाएगा, और इस वाले का ये बन गया। क्लियर बात? तो इसे वैसे तो लुईस बिंदु संरचना कहा जाता है, ठीक है, इसका नाम भी लिख देती हूँ, इसे क्या कहा जाता है, लुईस बिंदु संरचना, ठीक है। तो इस तरीके से ये साझा करते हैं, और कार्बन की सहजता कितनी होती है, 4 होती है, और ये किस तरीके से साझा करके बंध बनाते हैं ये भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि भाई जो कार्बन होते हैं उसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ता है, उसके साथ क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये सब जुड़ते हैं, मतलब लंबी से लंबी श्रृंखला बनती है और इसके साथ कई सारे परमाणु जुड़ते हैं, तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसका IUPAC से नाम कैसे किया जाता है वो भी हम समझेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक आज वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। IUPAC वाला जो है उसको हम पूरे एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से कवर करेंगे और इतना एग्जाम्पल करेंगे कि आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि इसका नाम क्या हो सकता है। हर तरीके के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, हर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो IUPAC नेम वाला जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों का अब तक वीक था उनका भी क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ी सी आपकी मेहनत की जरूरत है। जब भी आप क्लास लगा रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठा करना, क्योंकि IUPAC वाला तो खासकर प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है, तो जितना कर सकते हो प्रैक्टिस आप करना जरूर। आई थिंक वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जिन बच्चों को मेरे पैट कोर्स का नहीं पता वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से मेरे पैट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और आपको पता है जैसे कि 17 से 21 तक अभी ऑफर चल रहा है, जब जहां आपको 50% ऑफ मिलेगा, तो इस ऑफर का फायदा जरूर उठाना ताकि आपकी तैयारी बहुत बेटर हो सके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।